सीरीज ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के 11th वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस के बारे में बताऊंगा। यदि 3D स्पेस में कोई भी दो लाइन है तो वो इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता है, और यदि करता है तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये सब के बारे में मैं चर्चा करूंगा। इस वीडियो के पहले मैं 3D ज्योमेट्री पर 10 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके 3D ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाई फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MA क्लासेज, मैं हूँ सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ। आप यदि मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं या मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। और यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप MA क्लासेस को क्लिक करें। MA क्लासेस को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि स्पेस में अगर कोई दो लाइन है तो वो इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, कैसे पता करेंगे, या फिर अगर इंटरसेक्ट करता है तो उसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट। प्लेन पर आप जानते हैं कि अगर दो लाइन होता है तो वो या तो पैरेलल होता है या फिर वो इंटरसेक्ट करता है, ये या तो पैरेलल होगा या फिर इंटरसेक्ट करता है। लेकिन स्पेस में एक तीसरा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, या पैरेलल होगा या इंटरसेक्ट करेगा या फिर एक ऐसा हो सकता है, देखिए ये ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, ये नीचे से गया है लाइन और ये ऊपर से गया है, तो ऐसे लाइन को कहते हैं स्क्यू लाइन। और इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, तो हम लोग एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हेल्प से भी पता कर सकते हैं कि दोनों लाइन स्पेस में जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता है, और एक दूसरे तरीके से भी पता कर सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, उसका फॉर्मूला वगैरह ड्राइव करूंगा उसके बाद। मैं यहाँ पर एक मेथड से बता रहा हूँ कि कैसे पता करेंगे स्पेस में जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता है। तो देखिए, स्पेस का हम लोग लाइन ले रहे हैं, प्लेन का लाइन नहीं, स्पेस में कहीं पर भी दो लाइन है और वो पता करना है कि वो इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता है। तो कैसे पता करेंगे, अगर वो इंटरसेक्ट करता है तो एक कॉमन पॉइंट होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों लाइन पर होगा, लाइन फर्स्ट पर भी होगा और लाइन सेकेंड पर भी होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जो कॉमन पॉइंट होता है उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग पता करेंगे कि ये इंटरसेक्ट करता है कि नहीं। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, क्वेश्चन समझिए, पूरा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सो दैट द लाइन दिस इंटरसेक्ट एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिखाना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है। तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखिए फर्स्ट लाइन का, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन जो भी दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन इज, ये इक्वेशन क्या है, x डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। इसको हम लोग मान लेते हैं लेमडा, यहाँ पर लेमडा से कर लीजिए, तो लेमडा हम लोग सपोज कर रहे हैं इसको, तो लेमडा अगर सपोज करते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, x बाय 1 इक्वल टू लेमडा है तो x का वैल्यू लेमडा हो जाएगा, फिर y माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लेमडा, ये दोनों को ये आप इक्वेट कीजिएगा तो y माइनस 2 इक्वल टू 2 लेमडा, एंड फ्रॉम दिस रेशियो z प्लस 3 इक्वल टू 3 लेमडा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू लिख सकते हैं अब लेमडा, y का वैल्यू लिख सकते हैं 2 प्लस 2 लेमडा यहाँ से, और यहाँ से z इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3 प्लस 3 लेमडा। अब ये एक्स वाई जेड क्या बता रहा है, जैसे सपोज कीजिए ये लाइन फर्स्ट है, इस लाइन को हम लोग फर्स्ट कर देते हैं, तो ये लाइन फर्स्ट है और ये एक और दूसरा जो लाइन है वो हम लोग टू मान लेते हैं उस लाइन को, तो ये जो दोनों लाइन है वो एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करता है तो एक ऐसा पॉइंट होगा जो कॉमन होगा, लाइन वन पर भी होगा और टू पर भी होगा अगर इंटरसेक्ट करता है तो। अगर इंटरसेक्ट नहीं करता है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये लाइन है, ये लाइन अगर इंटरसेक्ट नहीं करता है तो इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, अगर इंटरसेक्ट करता है तो उसका जरूर एक कॉमन पॉइंट होगा। तो यहाँ पर जो एक्स वाई जेड निकाले हैं वो क्या बता रहा है, इस लाइन के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता रहा है।
क्योंकि आप इक्वेशन में जानते हैं कि एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई जेड बताता है इस लाइन के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर लेमडा का कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, तो लेमडा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्स वाई जेड का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, और जो भी एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलेगा वो इसी लाइन के पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए एक्स लेमडा के जगह आप जीरो ही पुट कर दीजिए, जीरो पुट कर देते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, टू, और जेड का वैल्यू क्या होगा, माइनस थ्री। तो ये जीरो, टू और माइनस थ्री जो आ रहा है वो इसी लाइन का पॉइंट बताएगा। आप लेमडा के जगह वन पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा वन, और वाई का वैल्यू मिल जाएगा फोर, और जेड का वैल्यू लेमडा के जगह वन पुट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। तो वन फोर जीरो जो है वो भी इसी लाइन का पॉइंट होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो लेमडा का ये एक्स वाई जेड का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, वो इस लाइन का कोऑर्डिनेट बताएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ जनरल पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ जनरल पॉइंट ऑफ लाइन वन, पॉइंट ऑफ लाइन वन आर, इसका जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट लेमडा हो गया, वाई कोऑर्डिनेट टू प्लस टू लेमडा हो गया, और जेड कोऑर्डिनेट माइनस थ्री प्लस थ्री लेमडा हो गया। तो इस लाइन का ये जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट मीन्स कोई भी पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट बता रहा है। लेमडा का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो अलग अलग कोऑर्डिनेट मिलेगा और वो उसी लाइन पर लाइक करेगा। इसी तरीके से लाइन टू के बारे में लिखते हैं, सेकेंड लाइन के बारे में लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन इज, सेकेंड लाइन यही है, सेकेंड लाइन का x माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू वाई माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल टू जेड माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर, तो मैं वही लिख दिया हूँ यहाँ पर। इसको हम लोग म्यू मान लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं म्यू, तो जहाँ पर म्यू कोई भी रियल नंबर होगा। तो यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू लिख सकते हैं, क्या x का वैल्यू होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा टू प्लस टू म्यू, वाई का वैल्यू हो जाएगा सिक्स प्लस थ्री म्यू, और जेड का वैल्यू हो जाएगा थ्री प्लस फोर म्यू। आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, देखिए ये फोर उधर चला जाएगा, फोर म्यू और थ्री भी उधर ले जाएगा, तो जेड इक्वल टू थ्री प्लस फोर म्यू। तो देयरफॉर ये जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ जनरल पॉइंट ऑन सेकेंड लाइन आर, जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा टू प्लस टू म्यू और फिर सिक्स प्लस थ्री म्यू, और जेड कोऑर्डिनेट होगा थ्री प्लस फोर म्यू। तो ये बता रहा है सेकेंड लाइन के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, म्यू का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो अलग अलग पॉइंट मिलेगा लेकिन वो इसी का कोऑर्डिनेट बताएगा, जो भी पॉइंट मिलेगा वो इसी लाइन पर लाई करेगा। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट देन दे हैव ए कॉमन पॉइंट, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका कोई कॉमन पॉइंट होगा, जो लाइन फर्स्ट पर भी होगा लाइन सेकेंड पर भी होगा। सो फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू, या देखिए ये एक कोऑर्डिनेट निकला है लाइन फर्स्ट का, लाइन फर्स्ट का जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकला हुआ है लेमडा कॉमा टू प्लस टू लेमडा कॉमा माइनस थ्री प्लस थ्री लेमडा। आप देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेट है किसका, इस लाइन के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और लाइन टू के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है। तो अब देखिए ये अगर इंटरसेक्ट करता है तो एक कॉमन पॉइंट होगा P, यानी P इस लाइन पर भी होगा। तो P का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या बता रहा है, लाइन फर्स्ट के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता रहा है। तो लेमडा का किसी ना किसी वैल्यू के लिए P का कोऑर्डिनेट होगा, यानी P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो कोई ना कोई लेमडा मिलेगा जो यहाँ पर पुट करेंगे तो P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और उसी तरीके से ये बता रहा है लाइन टू के पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो म्यू का कोई ना कोई ऐसा वैल्यू मिल जाएगा जिसको पुट करने से ये P का कोऑर्डिनेट बताएगा। तो लेमडा के किसी ना किसी को वैल्यू के लिए P का कोऑर्डिनेट यहाँ से निकल सकता है, और म्यू का किसी ना किसी वैल्यू के लिए P का कोऑर्डिनेट यहाँ से निकल जाएगा, और ये जो है वो दोनों बताएगा P का कोऑर्डिनेट। तो लेमडा और म्यू का कोई ना कोई ऐसा वैल्यू मिलेगा जिससे ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट सेम पॉइंट का बताएगा, मतलब वो दोनों क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, दोनों इक्वल कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो आइडेंटिकल कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, इसका है वाई कोऑर्डिनेट इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, इसका जेड कोऑर्डिनेट इसका जेड कोऑर्डिनेट सेम होगा, क्योंकि दोनों तो पी पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट बता रहा है।
कोई ना कोई लेमडा का वैल्यू मिलेगा, कोई ना कोई मी का वैल्यू मिलेगा, जो ये बताएगा कि ये भी पी का कोऑर्डिनेट है और ये भी पी का कोऑर्डिनेट है। क्यों? क्योंकि ये लाइन फर्स्ट के किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो पी का भी कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल सकते हैं, ये लाइन टू का किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो म्यू के किसी ना किसी वैल्यू के लिए पी का कोऑर्डिनेट बताएगा। तो जब दोनों पी का कोऑर्डिनेट बताएगा तो दोनों तो सेम होगा। तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ कि सो फॉर सम वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू वी मस्ट हैव, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है लेमडा और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है 2 + 2 μ, ये दोनों इक्वल होगा। यहाँ से आप इसको ऐसा कर दीजिए, ये 2 μ को इधर ले आइए, लेमडा माइनस 2 μ इक्वल टू 2, ये नंबर 1 कर देते हैं। फिर वाई कोऑर्डिनेट भी इक्वल होगा तो 2 + 2 लेमडा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 6 + 3 μ। यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 2 λ - 3 μ इक्वल टू 2 को उधर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा नंबर 2। और जेड कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, -3 + 3 λ इक्वल टू 3 + 4 μ। यहाँ से इक्वेशन बना रहे हैं, 3 λ - 4 μ इक्वल टू ये 3 उधर ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब ये हमारे पास 3 इक्वेशन है लेमडा और म्यू का। अब लेमडा और म्यू का ये लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए तो 2 इक्वेशन काफ़ी है, तो हम लोग 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, किसी भी दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। और जो 2 इक्वेशन को सॉल्व करने से लेमडा और म्यू का वैल्यू निकलेगा वो 3rd इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करता है मतलब ये पॉसिबल है, यानी इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट सेम हो सकता है, और सेम हो जाएगा तो इसका मतलब कॉमन पॉइंट मिल जाएगा और यानी कि वो इंटरसेक्ट करेगा। तो देखते हैं, किसी भी 2 को सॉल्व कीजिए, 1 और 2 में, 1, 2, 3 में से किसी को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या होगा सॉल्यूशन देखिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों का कोएफिशिएंट को सेम करते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 क्या आएगा, ये 2λ - 4μ इक्वल टू 4। और 3 को हम नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा 2λ - 3μ इक्वल टू 4। अब यहां से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, -4μ + 3μ हो जाएगा -μ, और यहां पर हो जाएगा 0, तो म्यू का वैल्यू निकल गया 0। अब ये म्यू का वैल्यू हम लोग 2 में पुट कर देते हैं, putting this value in 2, we get क्या मिलेगा 2 में पुट करने के बाद। देखिए म्यू का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, यहां पर पुट कर रहे हैं तो 2λ - 3μ के जगह 0 हो जाएगा इक्वल टू 4, यानी कि 2λ = 4, यानी कि λ = आ जाएगा 2। अब ये 3rd में हम लोग पुट करके देखते हैं कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3, वी गेट, हम लोग देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड है 3λ, वहां पर आप देख रहे हैं लेमडा का वैल्यू है 2 और -4μ, म्यू का वैल्यू है 0, तो ये पुट करने से 6 आ रहा है, क्या राइट हैंड साइड आ रहा है, तो इसका मतलब ये लेमडा और म्यू का वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है 3rd को। तो जो हम लोग लेमडा और म्यू का वैल्यू निकाले वो पॉसिबल है, यानी कोई ना कोई लेमडा और म्यू का वैल्यू मिल जा रहा है जिससे ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर लेमडा और म्यू का वैल्यू अगर निकालना पॉसिबल नहीं होता, मान लीजिए 2 से निकलता लेकिन वो 3rd को सेटिस्फाई नहीं करता, तो 2 कोऑर्डिनेट तो सेम हो जाता लेकिन 3rd कोऑर्डिनेट सेम नहीं होता तो वो इंटरसेक्ट नहीं करता। और यहाँ लेमडा म्यू निकल जा रहा है, 3rd को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि पॉसिबल है लेमडा म्यू का वैल्यू निकालना, तो इसका मतलब कोई ना कोई लेमडा और म्यू के वैल्यू के लिए दोनों कोऑर्डिनेट सेम आ जाएगा, और जब सेम आ जाएगा तो ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा, और कॉमन पॉइंट हो जाएगा तो वो इंटरसेक्ट करेगा। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू 2, जो लेमडा का वैल्यू 2 निकला है और म्यू का वैल्यू 0 निकला, सेटिस्फाई द इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई कर रहा है, सो द गिवन लाइन इंटरसेक्ट, और पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, या तो म्यू का वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए वहां से भी निकल जाएगा, या लेमडा का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए वहां से निकल जाएगा, दोनों से सेम आएगा। या तो आप म्यू का वैल्यू जो निकला है, म्यू का वैल्यू 0 निकला है उसमें पुट कीजिएगा, तो म्यू का वैल्यू 0 पुट करने से कितना आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा और फिर 3 आएगा,
यहाँ पर आप लिमडा के जगह वन पुट कर दीजिए, सॉरी टू पुट कर दीजिए तो कितना आएगा, लिमडा के जगह टू पुट करेंगे तो टू आएगा और टू टू जा फोर प्लस टू सिक्स हो जाएगा और टू थ्री जा सिक्स, सिक्स में थ्री सब्ट्रैक्ट करते हैं थ्री आ जाएगा, तो दोनों से सेम वैल्यू आ रहा है। तो आप किसी में भी या तो लिमडा का वैल्यू पुट कर दीजिए या म्यू का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लिमडा का वैल्यू पुट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज कहाँ से निकल रहा है, लिमडा का वैल्यू हम लोग टू पुट कर रहे हैं तो टू कॉमा टू प्लस टू इंटू टू और फिर माइनस थ्री प्लस थ्री इंटू टू, तो ये कितना आ रहा है, दैट इज टू आ रहा है, फिर ये सिक्स हो जा रहा है और ये थ्री आ रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट निकल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। अगर वो दिखाना हो कि वो इंटरसेक्ट नहीं करता है तो वैसे केस में यहाँ पर क्या होगा कि ये जो लेमडा और म्यू का वैल्यू निकालें वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा इसका मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो वहाँ पर लिख देंगे कि देयर फोर द गिवन लाइन से डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। और इसी तरीके से ये तो मैं कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में बताया हूँ, अगर वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ हो लाइन का तो बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग जनरल पॉइंट निकाल लेंगे दोनों लाइन का, जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल करके और फिर उसको हम लोग इक्वेट करेंगे, वहाँ से भी लेमडा म्यू निकालेंगे। तो आप बुक में देख सकते हैं उस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ होगा, आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से होगा अगर वेक्टर इक्वेशन भी दिया हुआ है तो। तो ये फ्रेंड्स ये हुआ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस के बारे में कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि वो इंटरसेक्ट करता है या नहीं, अगर इंटरसेक्ट करता है तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और क्या प्रॉब्लम आपको है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने का। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।